यूजिंग अ कीबोर्ड. लास्ट ईयर वी लर्नड मेनी थिंग्स अबाउट अ कीबोर्ड, इट्स डिफरेंट कीज एंड इट्स यूजेस, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू लर्न इन मोर डिटेल अबाउट इट्स डिफरेंट कीज एंड इट्स यूजेस. अ कीबोर्ड हैज़ मेनी कीज, ईच की इज यूज टू टाइप एंड हैज़ डिफरेंट यूज ऑल्सो. दीज कीज आर ऑल्सो कॉल्ड बटन्स. कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज़ होती है और हर एक की का अलग अलग काम होता है, और उसके ऊपर जो नंबर या अक्षर लिखा होता है वो भी उससे छपता है, और इनको बटन्स भी बोला जाता है. बैक स्पेस की, द बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज एनी थिंग विच इज़ टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. जो कर्सर मतलब जो ब्लिंक हो रही होती है लाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको कर्सर बोलते हैं. और बैक स्पेस इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो कर्सर है उसकी लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है या वो कट कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू करेक्ट द टाइपिंग एरर्स. जो भी टाइप करते हुए एरर्स हुई हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, गलती से लेटर्स दब गए हैं बटन्स, तो वो हम कट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप स्कूल एंड बाई मिस्टेक यू हैव टाइप्ड स्कूक, यू कैन यूज़ द बैक स्पेस की टू डिलीट के एंड टाइप यल. अगर आप गलती से स्कूल की जगह स्कूक लिख दिया हो, टाइप किया हो, और उसको कट करके आप के की जगह यल कर सकते हैं बैक स्पेस की मदद से. बैक स्पेस की कहाँ होती है? यहाँ पे, जिस पे एरो होता है. कर्सर कंट्रोल कीज, द कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर. अभी मैंने आपको बताया जो ब्लिंक हो रही होती है कर्सर, उसको ही कर्सर बोलते हैं. स्क्रीन पे जो एक लाइन है वो ब्लिंक हो रही होती है, उसे ही कर्सर बोलते हैं. विच शोज द पोजिशन ऑफ द नेक्स्ट नंबर ऑन द स्क्रीन, जो कि बताता है नेक्स्ट जो भी आप टाइप करने वाले हो वो कहाँ पे आ रहा है. द एरोज, एरो कीज और कर्सर कंट्रोल कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर. ये जो एरो कीज होती है या कर्सर कंट्रोल कीज जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे आगे या पीछे हम उसको कर सकते हैं कर्सर का कंट्रोल उससे. डिलीट की, दिस की इज यूज्ड टू डिलीट एनीथिंग प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. याद रखिए, बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का डिलीट होता है और डिलीट की से राइट साइड का डिलीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप स्कूल एंड बाई मिस्टेक यू हैव टाइप्ड SCGHOOL, देन यू नीड टू प्लेस द कर्सर बिफोर जी एंड डिलीट इट. ये देखिए, डिलीट बटन यहाँ पे है. लिखा यहाँ पे है, बताया वहाँ पे है. बाय मिस्टेक उन्होंने एरो वहाँ पे किया है, एक्चुअली यहाँ पे है डिलीट की. कैप्स लॉक, कैप्स लॉक इज़ द की विच इज़ यूज्ड टू टाइप ऑल द लेटर्स इन द कैपिटल. यहाँ पे होती है कैप्स लॉक की. यहाँ पे छोटा सा एलईडी भी होता है, अगर आप उसको दबाते, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आपको वहाँ पे लाइट लगी हुई दिखेगी. किसी किसी कीबोर्ड पे नहीं भी होता है, और उससे हम टाइप कर सकते हैं लेटर्स कैपिटल में. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू टाइप स्कूल लाइक दिस यू कैन यूज़ कैप्स लॉक फॉर द सेम. व्हेन वी प्रेस कैप्स लॉक की द लाइट ऑफ कैप्स लॉक ऑन द कीबोर्ड विल टर्न ऑन. जब अभी मैंने बताया कि यहाँ पे छोटा सा एलईडी होता है, लग जाता है, हमें समझ जाता है कि कैप्स लॉक ऑन है. और कैप्स लॉक से क्या होता है, हम टाइप कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स. नम लॉक की, द नम लॉक की इज प्रेस्ड टू एंटर द नंबर्स इजीली. व्हेन द नम लॉक इज ऑन द लाइट ऑफ नम लॉक ऑन द कीबोर्ड विल टर्न ऑन. इफ द नम लॉक की इज ऑफ यू कैन नॉट टाइप द नंबर्स ऑन द मॉनिटर. यहाँ पे है नम लॉक की.
अगर ये ऑन करते हैं यहाँ पे भी एलईडी लग जाता है, और इससे हम ये जो नंबर्स है आसानी से टाइप कर सकते हैं। अगर ये ऑफ हुआ तो ये नंबर्स कितने भी हम प्रेस करें वो वहाँ पे टाइप नहीं होंगे। टैब की यहाँ पे होती है, टैब की इस पर दो दो साइड पे एरोज होते हैं। टैब की इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। इट इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द राइट बाय फिक्स्ड अमाउंट स्पेसेस। एक फिक्स्ड अमाउंट का स्पेस होता है, टैब से हम उसको कर्सर को मूव कर सकते हैं इधर से उधर, और ये यहाँ पे लेफ्ट में होता है। यहाँ पे एस्केप की सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, दिस की इज नोन एज एस्केप की। इट इज़ यूज्ड टू क्लोज अ मेनू और अ डायलॉग बॉक्स। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ हो या मेनू ओपन हुआ हो उसको हम क्लोज करने के लिए वो एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे होता है। फंक्शन कीज, देर आर 12 फंक्शन कीज। ईच की हैज़ डिफरेंट फंक्शंस। द कीज आर फ्रॉम F1 टू F12। दीज कीज आर प्रेजेंट ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कीबोर्ड। यहाँ पे होती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ये 12 कीज यहाँ पे होती है, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, ये आगे आपको पता चलेगा। मगर फिर भी एक फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ। F5 जब हम प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट है F5। फिल इन द ब्लैंक्स, कर्सर इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर। नम लॉक की इज यूज्ड टू एंटर द नंबर्स इजीली। एस्केप की इज यूज्ड टू क्लोज अ मेनू और डायलॉग बॉक्स। कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप ऑल लेटर्स इन कैपिटल। बैकस्पेस की इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग विच इज टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। गिवन बिलो इज द कीबोर्ड, यू नीड टू कलर ऑल द कीज विच यू हैव लर्नड विद डिफरेंट कलर्स। चूज एनी कलर यू वॉन्ट। ये फंक्शन कीज हमने सीखी है, एस्केप की सीखी, टैब, फिर ये सीखा है कैप्स लॉक, डिलीट, ये जो कर्सर के मूविंग कर्सर कंट्रोल कीज, ये कर्सर कंट्रोल कीज, ये नम लॉक, ये बैकस्पेस, इतना हमने सीखा है। बैकस्पेस की इज यूज्ड टू डिलीट एनीथिंग प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस से डिलीट होता है जो लेफ्ट में है वो। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखना है तो ये फॉल्स है। देर आर 12 फंक्शन कीज, ट्रू है। देर आर ओनली 1 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, नहीं 2 है, फॉल्स। इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप ऑल द लेटर्स इन कैपिटल यू विल यूज एस्केप की, नो, कैप्स लॉक की वी विल यूज, फॉल्स। द डिलीट की एंड बैकस्पेस कीज की आर यूज्ड टू इरेज द टेक्स्ट, ट्रू है। बैकस्पेस की से लेफ्ट वाला जो भी है टाइप किया वो डिलीट होता है, और डिलीट की से राइट में जो है वो डिलीट होता है। गेस द कीज, यू नीड टू कलर द कीज विच आर रिक्वायर्ड टू टाइप ऑल द फॉलोइंग। तो ये नंबर्स है 4, 5, 8 एंड 4। स्पेशल कैरेक्टर इसको येल्लो कलर करना है, ये देखिए, ये और ये। नेम ग्रीन में करना है तो मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद रेड में आर को उसको डिलीट करने के लिए ब्लैक कलर में डिलीट बटन की विच इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर, ये ब्लू कलर करना है। मैच लगाना है। दिस की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। इट इज़ यूज्ड टू मूव कर्सर टू द राइट बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। जो एक फिक्स्ड अमाउंट का जो स्पेस होता है उस पर वो कर्सर को मूव करते हैं, तो वो टैब की।
This key is used to close a menu or a dialog box. It is present on the left corner of the keyboard. जो left corner में keyboard पे जो होती है वो escape key, जिससे हम dialog box या menu close करते हैं. These keys are used to move cursor on the monitor. Yeah. Cursor control keys. This key is used to erase anything which is typed on the left side of the cursor. Backspace. This key is used to enter the numbers easily. That is number. तो बच्चों इसी के साथ ही chapter number 4 using the keyboard ख़त्म होता है. मिलती हूँ अगली वीडियो में. और अगर प्रेरणास प्लानर को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर देना. मेरा और एक चैनल है टच द लाइफ विद प्रेरकुल, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.